नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कोरोना के चलते कुंभ मेले को लेकर किया ट्वीट। कुंभ को प्रतीकात्मक रखने के लिए संतों से की अपील, संतों के स्वास्थ्य का भी जाना हाल। सीएम तीरथ सिंह ने किया 4G सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ। मंदिरों और तीर्थ स्थलों को नेटवर्क से जोड़ा, बोले कोरोना के दौर में डिजिटल कनेक्टिविटी है। हरिद्वार में बढ़ रहे कोरोना पर बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। संभल कर रहने की अपील, बोले सिर्फ सरकार को नहीं रह सकते भरोसे। सल्ट विधानसभा उपचुनाव पर मतदान खत्म, बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा सीधा मुकाबला, 2 मई को आएंगे नतीजे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में सर्वाधिक 2402 नए मामले आए सामने। 67 हेल्थ केयर वर्कर्स कोविड-19 से पॉजिटिव निकले। उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ मैदानी इलाकों में बारिश, बद्रीनाथ केदारनाथ में हुई बर्फबारी, लोगों को मिली गर्मी से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। जनपद दौरे पर रहे मंत्री बंसीधर भगत। अटल बिहारी वाजपेयी राज अतिथि गृह में की बैठक, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। मुख्य नगर आयुक्त और मेला स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए, खाली हुए टेंट के स्थान पर किया जाए सैनिटाइजेशन। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जनपद दौरे पर रहे मंत्री बंसीधर भगत। अटल बिहारी वाजपेयी राज अतिथि गृह में की बैठक, मुख्य नगर आयुक्त और मेला स्वास्थ्य अधिकारी को दिए निर्देश, खाली हुए टेंट के स्थान पर किया जाए सैनिटाइजेशन। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ का प्रतीकात्मक रखने के लिए संतों से अपील की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी साधु संतों का हाल भी जाना है और ट्वीट किया है। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना, सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, मैंने इसके लिए संत जगत को आभार व्यक्त करता हूं। हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुंभ मेले में बढ़ते कोरोना को लेकर उनकी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत हुई, साथ ही साधु संतों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और मेले में चल रही धार्मिक गतिविधियों के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि बहुत ही अच्छे भव्य और दिव्यता के साथ धार्मिक आयोजन चल रहे हैं और कुंभ मेला चल रहा है। संख्या कोरोना की यहाँ है उससे कहीं अधिक महाराष्ट्र में, उससे कहीं अधिक पंजाब में, उससे बहुत ज्यादा कहीं अधिक छत्तीसगढ़ में और भी अन्य प्रदेशों में। ये जो स्ट्रेन आया, इस प्रकार की जो लहर आई है, इससे कोई न तो देश अछूता है और न हमारे प्रदेश अछूते हैं। तो ये केवल कोरोना का संक्रमण यहाँ ही नहीं है, सर्वत्र है। मैं फिर भी विनयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि उस मात्रा में नहीं है, उस तरह से नहीं है, उतना आक्रामक नहीं है, उतना प्रचंड नहीं है, उतना प्राण घातक नहीं है और ना ही उतना वो भयावह है, ना ही वो उतना अधिक भीतर में आशंकाएं पैदा करने वाला है। लेकिन फिर भी हम कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं आपको विनयपूर्वक बात कहूंगा, हमारे आश्रमों में सब लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, हम लगातार टेस्ट करा रहे हैं, मैंने खुद 12 बार टेस्ट कराए। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में बढ़ते कोरोना के मामले पर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर साधु संतों से प्रतीकात्मक कुंभ मनाने की अपील की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ में कोरोना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन अब हरिद्वार में कोरोना से हालत बिगड़ रहे हैं। देखिए क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। हरिद्वार में कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट वायरल हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा है कि कुंभ को लेकर प्रतीकात्मक कुंभ जो है अब शुरू करना चाहिए। सर, किस तरह से देखते हैं आप? पहले भी इस तरह से कह चुके हैं कि प्रतीकात्मक कुंभ की तैयारी जो है आप लोग कर रहे थे, अब नरेंद्र मोदी ने भी इस पर मोहर लगा दी है, और आप किस तरह से देखते हैं जो बात आपने कही थी वो सच होने जा रही है? कुंभ का जो समय होगा, इस समय ये वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ेगा, क्योंकि कुंभ में हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग आते हैं।
और ऐसे में अति सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमने उस समय संतों से बातचीत किया था, संतों ने भी हमको आश्वस्त किया था, उन्होंने हमको लिखित भी दिया कि जैसा भी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से कुंभ का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है, और उन्होंने कहा था कि उस पर हम लोग पूरी तरह सरकार को सहयोग करेंगे। और जो हमारी आशंका थी, जो हम अध्ययन कर पाए उसके आधार पर, वो आशंका आज साबित हुई है कि हमारी आशंका जो थी वो सही थी, या हम ये कहें कि वैज्ञानिकों के जो सोच थी वो बिल्कुल उससे आज की परिस्थितियां एकदम मैच कर रही हैं। अष्टम संतों से हमने कहा था कि इसको हम कोई प्रतीकात्मक कुंभ के रूप उसको करना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही है, और मुझे लगता है कि बहुत संभल कर चलने का वक्त है, हमको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, और केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यवस्थाएं हैं वो एकदम नहीं जुटाई जा सकती है। अगर वायरस का जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, जो जीवन सुरक्षा वाली जो औषधियां हैं, जो इंजेक्शंस हैं, उनको एक साथ उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है 130 करोड़ की आबादी को। और उसका समाधान यही है कि आम आदमी संभल कर चले, एकदम ऐसी विस्फोटक स्थिति ना आए, उसको संभल कर ही चलकर बचाया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमने बात की, उनका कहना है कि सरकार के साथ साथ खुद भी संभलने की जरूरत है। देहरादून से कुशवंत चौधरी के साथ मैं नवाब चौधरी, कैन न्यूज इंडिया। बढ़ते कोरोना मामले पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का क्या कुछ कहना, आपको सुनाते हैं। पूरे उत्तराखंड में आम जनता कोरोना के आतंक से पीड़ित है, भयभीत है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई हैं, न बेड उपलब्ध है न वेंटिलेटर उपलब्ध है। लोग मारे मारे घूम रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। अभी मध्यावधि चुनाव के दौरान बहुत तरह के प्रलोभन दिए गए, परंतु कोरोना को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं कर पाई सरकार। इस समय लोग बहुत भयभीत हैं। मेरी अपने प्रदेशवासियों से भी अपील है कि मास्क लगाएं, दूरी रखें, और जो भी कड़े नियम बनाए गए हैं उसकी रोकथाम के लिए उनका पालन करें। महाकुंभ 2021 को लेकर कुछ अखाड़ों ने कुंभ समापन को लेकर घोषणा कर दी है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इसको कुछ अखाड़ों का निजी फैसला करार दिया है, जिसको लेकर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि COVID-19 को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा हरिद्वार में महाकुंभ 2021 का सफल आयोजन किया जा रहा है। इसकी झलक बीते 3 शाही स्नान में हरिद्वार में देखने को मिली है। उन्होंने कुंभ समापन के फैसले पर कहा कि यह अखाड़ों का निजी फैसला है, सरकार का फैसला नहीं है। किसी अखाड़े ने स्वयं को अब स्वयं के लिए अपने अखाड़े के लिए कुंभ को समाप्त करने का निर्णय लिया, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सरकार लगातार स्थितियों पर नजर रखी हुई है और जीवन लोगों के जीवन को बचाने के लिए जब भी लगेगा कि कुछ गंभीर निर्णय लेने हैं तो सरकार उनसे पीछे नहीं हटेगी। हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को कोरोना कर्फ्यू से वंचित रखा गया है, तो वहीं हर की पैड़ी पर भी दूसरे शाही स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ में काफ़ी कमी देखने को मिली है। हालांकि दूर दराज श्रद्धालुओं का यहां पहुंच रहे हैं और गंगा में स्नान करके पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड संक्रमण के चलते लोगों में डर भी देखने को मिल रहा है। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को लेकर सरकार क्या निर्णय ले पाती है। इस संबंध में हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा ने हर की पैड़ी पर पहुँच कर मौके का जायजा लिया। महाकुंभ चल रहा है, वहीं बात की जाए 2 शाही स्नान हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी 27 अप्रैल को 3रा शाही स्नान होना बाकी है। मैं दिखाना चाहूंगा 2 शाही स्नान के बाद क्या हर की पैड़ी का फिलहाल का नजारा है। यहाँ हर की पैड़ी पे बात की जाए तो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं और श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
वहीं बात की जाए तो कहीं ना कहीं COVID-19 का संक्रमण बढ़ने के बाद बात की जाए जो यहाँ के साधु संत हैं या श्रद्धालु हैं, कई अखाड़ों ने कुंभ को खत्म करने की बात की है, लेकिन वैरागी अखाड़े ने इसमें अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। और नाराजगी जताते हुए वैरागी अखाड़े का कहना है कि 27 अप्रैल को जो होने वाला शाही स्नान है, उस शाही स्नान में वैरागी अखाड़ा यहाँ पर भाग लेगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बात की जाए आज सभी अखाड़ों ने प्रतीकात्मक तौर पर भी जुड़ने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अखाड़ों के संत हैं उनसे आगे आने वाले कुंभ में जो 27 तारीख का शाही स्नान होना है उसको लेकर प्रतीकात्मक तौर पर स्नान को करने की बात की है। और सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी साफ तौर पर यही कहा है, संतों से अपील की है कि 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को प्रतीकात्मक तौर पर रखा जाए। कोरोना संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। और बात की जाए तो देहरादून के बाद अब पूरे उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, हालांकि कुंभ क्षेत्र को इससे वंचित रखा गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगने के बाद भी रात के 10:30 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक का जो कर्फ्यू लगाया गया है उसको लेकर प्रदेश के हालात बदल चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी जो आने वाला 27 अप्रैल का तीसरा शाही स्नान होना है उसको लेकर सरकार किस तरह का निर्णय लेती है और शाही स्नान हो पाता है या नहीं। के न्यूज इंडिया के लिए हरिद्वार से प्रिंस शर्मा। खबर लक्सर से है जहां गोवर्धनपुर में दूसरा कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां 14 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, इनमें से 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राएं हैं। एक ही स्थान पर 2 दिन में 28 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो जाने के स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासन की नींद उड़ गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन सैंपलिंग अभियान चलाया जा रहा है। लक्सर के गोवर्धनपुर कस्तूरबा आवासीय गांधी जो बालिका विद्यालय है उसमें 2 दिन पहले लगभग 14 जो छात्राएं हैं यानी कि एक जो भोजन माता है वो संक्रमित पाए गए थे और आज फिर ये ग्राफ बढ़कर 28 हो गया है। हमारे साथ में डॉक्टर विनीत हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब फिर ग्राफ बढ़ गया है कोरोना को लेकर के, क्या कहोगे? ये काफ़ी संकेत है इस बात का कि अब ये स्प्रेड हो रहा है बहुत तेज़ी से, और उसी के तहत ये अभियान चलाया गया है कि यहाँ पर सभी लोग इस जो भोजन माता पॉजिटिव आई है उनके परिवार के सभी लोगों का सैंपल किया गया है, उसमें से भी काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं। और अब इसको देखते हुए पूरे के पूरे गांव का ही सैंपल कराने की कोशिश की जा रही है, जितने अधिक से अधिक व्यक्तियों का सैंपल हो जाए। यानी कि जिस तरीके से जो संक्रमित पाए गए हैं अब उनको लेकर के आइसोलेट की क्या कुछ तैयारियाँ हैं? जी बिल्कुल, उनको होम आइसोलेट किया गया है क्योंकि वो पूरे एक ही परिवार के हैं तो उनको वहीं कर दिया गया है। बाकी सभी बच्चों को हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है जहाँ पर सभी व्यवस्थाएँ मौजूद हैं। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विनीत, जिन्होंने बताया है कि जो संक्रमितों का दायरा वो 28 है और साथ में जो भोजन माता है उसके परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं वो संक्रमित पाए गए उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। उत्तराखंड में भी अब कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से इजाफा हो रही है, जिसको लेकर सरकार भी नई गाइडलाइन बनाकर कोशिश कर रही है कि किस तरह से संक्रमित के आंकड़े कम किए जाए। वहीं दूसरी ओर बढ़ते मरीजों के कारण अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी के साथ वैक्सीन भी खत्म हो रही है। इस पर जानकारी देते हुए सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि ये बात सही है कि मरीजों की संख्या बढ़ने से कुछ समस्या हो जाती है, लेकिन सरकार के पास सभी इंतजाम हैं और पूरे बेड के साथ वेंटिलेटर और सभी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में। उन्होंने कहा कि केंद्र को मांग पत्र भेजा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और वैक्सीन मांगी गई है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन 1-2 दिन तक पहुँच जाएगी। देखिए, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, गंभीर है, और जिस तरह से पहले फेज में भी सरकार ने पूरी तरह से कभी भी कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि हम में बेड कम पड़े हों या हम लोगों पर के मेडिकल फैसिलिटीज में कोई कमी आई हो। जो परिस्थिति है वो देखते कारण ही जो निर्णय कुछ दिन पूर्व केवल देहरादून शहर के लिए लिया गया था, पूरे प्रदेश में उसको लागू किया गया कि रात्रि कर्फ्यू लगाने का, साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं और जो परीक्षाएं हैं इनके बारे पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों के जीवन को संक्रमित होने से बचाया जा सके और आम आदमी को किस तरह सुविधा दी जा सके। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। नमस्कार, कोरोना फिर लौट आया है, इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है।
मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें, इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहने। पिछले एक साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है। मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, दवाई भी कड़ाई भी। यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जिले में 1051 कोरोना संक्रमित मिले और कोरोना संक्रमण से 15 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून में बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड सेंटर में 500 बेड और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, साथ ही ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था देहरादून में है। देखिए क्या कुछ कहा डीएम देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव ने। हमारे साथ है डीएम देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव, उनसे हम जानेंगे। सर किस तरह से देखते हैं देहरादून की स्थिति को, क्योंकि केस लगातार जो है कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है बेड की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की स्थिति क्या है? देखिए जो बेड्स हैं हमारे पास, बेड्स इस समय हैं, अभी बेड्स अवेलेबल हो रहे हैं लोगों को। कुछ लोगों के पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस हैं हॉस्पिटल्स के, उस वजह से उन लोगों के लिए थोड़े इशू हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं। अभी हमारा जो कोविड केयर सेंटर है महाराणा प्रताप स्टेडियम में, वहां पर भी अभी जो 400 बेड लगे हुए हैं उनमें सिर्फ अभी 40 लोग जो है वो एडमिटेड हैं। और इसके अलावा अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पर हम लगभग 500 बेड और बढ़ा रहे हैं और 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर वहाँ वो भी बेड्स बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास सफिशियंट है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर जो दवा है वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें जो है एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है और हमारे यहाँ पर भी आज जो है डोजेस कुछ प्राप्त हुई हैं और जैसे जैसे वो प्राप्त हो रही हैं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। परिवार में आपके माता पिता होंगे जो बुजुर्ग होंगे, आपके बच्चे होंगे जो छोटे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कोमॉर्बिड कंडीशन में होंगे, आप लोग उनके लिए मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धुलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यदि आवश्यक हो, अति आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें। सर ये थे हमारे साथ देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव, जिनका कहना है कि इस वक्त सरकार के साथ साथ
जिला प्रशासन के साथ साथ आम आदमी को भी अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है। देहरादून से खुशन चौधरी के साथ मैं नवाब चौधरी के न्यूज इंडिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली सेमेस्टर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि ऑनलाइन बैठक कर सभी कॉलेजों को आदेश जारी कर अवगत करा दिया गया है। तो वहीं 24 मई से होने वाली वार्षिक परीक्षाओं पर भी आने वाले दिनों में परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि छात्रों की कक्षाएं सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही संचालित कराई जाए। और एनुअल एग्जाम हमारे 24 मई से थे, तो वो भी अभी आप पोस्टपोन ही समझे, क्योंकि अभी 24 मई तक का हमें कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जैसी स्थिति आएगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। देखिए हाँ, दीक्षांत समारोह हमारा पूर्ण तरह से ऑनलाइन रहेगा, पूर्ण तरह से। तो वो दीक्षांत समारोह जो हमारा 8 मई को होने वाला है वो यथावत रहेगा। कोरोना से उबरते ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मोर्चा संभाल लिया है। जोशी ने सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय का दौरा किया। अफसरों को सैनिकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का सम्मान एवं सहायता राशि बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। बतौर मंत्री निदेशालय में पहली बार आने पर निदेशक ब्रिगेडियर KB चंद ने जोशी का स्वागत किया। विभागीय योजनाओं की समीक्षा में जोशी ने दूसरे विश्व युद्ध के पेंशनों की अनुदान राशि NDAIMA एवं OTA में चयनित सैनिक आश्रित अभ्यर्थियों की वर्तमान प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। काफ़ी काम हमारे पेंडिंग हुए, हालांकि अस्वस्थता के बावजूद कुछ काम हमने किए हैं। और मैंने इस ऑफिस को जारी करते एक मीटिंग बुलाई थी और कुछ टारगेट अपने सैनिक कल्याण के अधिकारियों को दिए थे कि आप मुझे 10 दिन के अंदर इसका एक रोड मैप बना कर दीजिएगा। और आज मैंने निदेशालय का निरीक्षण किया, उनके साथ बैठकर जो दिखते हैं निदेशालय में उनके विषय में विस्तार से बातचीत हुई। और जो सबसे बड़ी बात, जो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सैन्य धाम, जो कि मोदी जी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने घोषणा की थी कि 4 धाम तो यहाँ पर हैं, गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार, 5वां धाम सैन्य धाम पर होना चाहिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तक रहिए न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।